आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलेगी कि जिन व्यक्तियों की दिखावा करने की आदत होगी तो शायद है ये मेरी कहानी सुन के वो दिखावा करना बंद कर देंगे, बाकी आगे उनकी इच्छा। एक व्यक्ति रहता है, वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहता था लेकिन उसके पास ओनली 10 लाख रुपए थे, तो वो 10 लाख वाली शादी नहीं करना चाहता था। तो वो अपने दोस्तों से 50 लाख रुपए कर्ज लेता है और अपनी अच्छे से शादी करता है। इसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, सब अच्छा ही चल रहा था, उसकी बीवी भी अच्छी थी, घर में आ जाती है, सब अच्छा ही चल रहा था। तो एक दिन वो अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो उसको एक कार वाला धक्का मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कि डेथ हो जाती है। तो पूरा कर्ज चुकाने का वो उसके बीवी के ऊपर आ जाता है। वो तो चला गया तो अब कर्ज तो देना ही पड़ेगा जिसका लिए हैं। तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी तो बेचारी चारों तरफ सब लोगों के घर में जा जाकर झाड़ू पोछा करती थी और चुका रही थी। तो अब झाड़ू पोछा से 50 लाख रुपए देना नामुमकिन है, वो कैसे देती बेचारी। तो जिसका उसने कर्ज लिया था उसके पति ने, तो वो लोग आकर उसके घर में मतलब कब्जा जमा लेते हैं, उसकी पूरी ज़मीन ले लेते हैं और वो रोड में आ जाती है, उसको खाने तक के उसके बीबी को लाले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती चिल्लाती है। लेकिन अब क्या होने वाला था, उसका तो सब कुछ चला गया, वो लोग अपना ले लिए, पूरे उसके ज़मीन में कब्जा कर लिए, घर ले लिए, सब कुछ ले लिए। तो इसीलिए आप उतना ही दिखावा करें जितनी आपके पास औकात हो और उतना ही कर्ज लें जितना कि आप चुकता कर पाओ। उसने तो लेकर दिखावा करके तो वो ऊपर चला गया, अब भोग तो दूसरा कोई रहा है ना। तो इसीलिए दिखावा करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शादी 1 लाख रुपए में भी होती है, 50 हज़ार रुपए में भी होती है। भाई जितना अपने पास चादर उतना ही पैर पर फैलाएँ। ओके।